मैं हूं जहर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। आज हम दिल्ली के रायसेना रोड और कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और आज हमारे साथ यहां कुछ छात्र संघ के कुछ नेता मौजूद हैं और इसे बात करेंगे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, और उसमें बेरोज़गारी को लेकर के सरकार के खिलाफ कूच किया, संसद भवन का घेराव किया NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और उसके साथ स्टेट लेवल के जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे उन सब ने भाग लिया उसमें, और सभी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों से छात्रों ने हिस्सा लिया और ये एक बहुत बड़ा एक छात्र अधिकार रैली जिसका आयोजन किया गया आज संसद मार्ग की ओर कूच किया गया। हमारे साथ आज मेवात के गाँव सिंगार से ताल्लुक़ रखने वाले अल्ताफ हुसैन जी मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ गणमान्य और ख़ास तौर से एक युवा पीढ़ी जिन्होंने आज भाग लिया उसमें, ये प्रोटेस्ट हुआ इसमें किस तरीके का सहयोग मिला, किस तरीके का इन्होंने आंदोलन किया और सरकार से क्या मांगे थी, इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। मैं मौसम खान, कांग्रेस MP सूटवाड़ विधानसभा रामगढ़ जी, और मेरे साथ यहाँ मंच में विराजमान दो सम्मानित साथी मोहम्मद अहमद और अल्ताफ भाई, आज सैकड़ों की संख्या में आज हम इन्हीं के साथ सहयोग से कंधे से कंधा मिला के आज NSUI के नीरज जी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं NSUI के, उनके नेतृत्व में आज एक बड़ी रैली का यहाँ आयोजन किया गया संसद का घेराव करने के लिए। उसमें हम हुसैन सुल्तानिया जी के नेतृत्व पर और आह्वान पर हम यहाँ सभी साथी मौजूद हुए और यहाँ आप देखिए सैकड़ों की संख्या में ये जो साथी हुए हैं ये इस बात का परिचय है कि मजलूम, दबे कुचले और मजबूर लोगों के साथ साथ जब भी अन्याय हुआ है इस मुल्क में तब तक युवाओं ने क्रांति का रूप लिया है और उस क्रांति ने इस देश की हर एक उस चीज़ को बदला है जो उनकी मुखालफत कर रही हो या उनके खिलाफ हो। ये युवाओं की इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थिति इस बात को स्पष्ट जाहिर कर रही है कि आज का युवा इस तरीके की जो उनके ऊपर बेवजह जो चीज़ें थोपी जा रही है, जैसे विशेष रूप से JNU में अभी जो लेटेस्ट मामला चल रहा है कि वहाँ फीस में जो अचानक वृद्धि हुई है उसको लेके JNU के छात्रों के साथ जो आहत आमजन है वो इसलिए आहत है विशेष रूप से कि वहाँ गरीब बच्चे विशेष रूप से अध्ययन करते हैं और कम फीस में वहाँ पर अध्ययन हो जाता है, लेकिन वहाँ की फीस में इस तरह की वृद्धि कर दी गई कि उसको और उसको प्राइवेट एजुकेशन को और एक JNU के एजुकेशन को इक्वल कर दिया गया है। जब ये लोग गरीब और दबे या परेशान नहीं होते तो इनको ज़रूरत ही कहाँ थी, ये प्राइवेट स्कूल में भी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। आप एक प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को जहाँ पर बच्चा अपनी काबिलियत से जाता है, अगर उन दोनों को आप इक्वल कर दोगे तो फिर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने के लिए छात्र के पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कहाँ। तो इन सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ और यहाँ बैठे हुए खड़े हुए तमाम जितने भी मेरे युवा साथी हैं उन सब का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि इतनी भारी संख्या में ये ईमानदारी और बेईमानी, सच और झूठ, मक्कारी और एक ईमानदार व्यक्तित्व की ये लड़ाई है। इसमें जितने भी ईमानदार लोग हैं जो सेकुलर सोच रखते हैं, सकारात्मक रवैया रखते हैं आने वाली नस्लों के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, जो ये चाहते हैं कि आज हम चाहे कैसी भी ज़िंदगी जी रहे हों लेकिन हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनमें हमारी पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल मिल सके, अच्छे रहबर मिल सकें। बेहतर मुस्तकबिल और अच्छे रहबर इन अच्छी संस्थाओं से ही निकल के आते हैं। जब ये अच्छी संस्थान ही बंद हो जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए, हम आने वाले के लिए क्या उम्मीद रख सकते हैं सरकार से। आपने कहा कि युवाओं के जो सोच है उसको दबाया और कुचला जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को इसमें बदलाव करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। देखिए JNU के मामले की बात करें तो JNU में अभी क्या हुआ कि जब छात्र सरकार के खिलाफ आए कि उन्होंने जो फीस में इजाफा किया है, जब उसको बदलवाने की जब बात आई तो वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, उनकी सोच को दबाया गया, उनके हक को दबाया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की सोच में फ़र्क है। देखिए सारे युवा इस बात से भली भांति परिचित हैं, इस देश के जो महामहिम है, देश की जो सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री की होती है, उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जो सार्वजनिक मन से ये कहते हैं बात की नोटबंदी का मैं ये बंद कर रहा हूँ, जो नोटबंदी का इससे बड़ा फेरबदल होगा, देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आने की बजाय फिर ये कहते हैं अगर बदलाव नहीं आता है मेरे इस फैसले से तो आप लोग, इस देश की जनता के सामने मैं सार्वजनिक मन से कहता हूँ कि आप लोग मुझे बीच चौराहे पर खड़ा करके मारना। एक इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति जब उसका कोई रिजल्ट नेगेटिव आता है नोटबंदी का, उसके बावजूद भी वो आदमी लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनको
फॉलो नहीं कर रहा है या उनको मान नहीं रहा है, ये तो गलत बात है। और उसके बावजूद भी देखिए आज की हालत आप देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बलात्कार का ग्राफ आप देखिए, पिछले 4-5 साल में गत 11 साल से ही विशेष रूप से जो बलात्कार का ग्राफ बढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तकलीफ भरा विषय है। हम जिस ब्राइट फ्यूचर की अपने बच्चों के लिए कामना कर रहे हैं या ब्राइट फ्यूचर की जो हम राह देख रहे हैं, इसमें इस तरीके की अगर ये सारी चीज़ें चल रही, राजनीति नहीं चल रही है। पहले राजनीति होती थी, बेहतर सड़क मिले लोगों को, शिक्षा मिले, एजुकेशन, और बच्चे जितने भी हैं समाज के जितनी भी बहन या बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन इसके सब विपरीत हो रहा है, ना तो बेहतर शिक्षा मिल पा रही है, शिक्षा को इन लोगों ने एक वो बना दिया है, रोजगार का साधन बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इनका कहना है कि जो हमारा ब्राइट फ्यूचर है युवाओं का, उनको दबाया जा रहा है, इनका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, इनका जो फ्यूचर है वो कहीं ऊपर ले जाने के बजाय सरकार इनको दबाने की कोशिश करे, क्योंकि इन शिक्षण संस्थानों से, इन यूनिवर्सिटीज से ही ये जो युवा हैं, जो युवा ब्रिगेड निकल कर आएगी और वो राजनीति में हाथ आजमाएगी, तो इनकी जो कहीं ना कहीं इनकी सियासत है वो धूमिल होती नजर आएगी, ऐसा कहना है इनका। और हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अल्ताफ हुसैन जी, क्या कहना चाहेंगे, जो आज प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा एक देशव्यापी आंदोलन किया गया और संसद का घेराव हुआ, अध्यक्ष के रूप में आपने किस तरीके की भागीदारी निभाई इसमें? देखो, जितने भी ये सैकड़ों युवा आप देख रहे हो जी, ये पूरे हमारे साथ में आए और ये सारे मेरे ही गांव से हैं, और भाई ने जितने भी आपके इस चैनल पे बोला है जी, वो बिल्कुल हक और सच बोला है। और देखो, ये जो देश की जो राजनीति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने इस देश को बहुत निचले स्तर पर पहुँचा दिया। सही है, सोचने में रोज़गार की दिशा को देख लीजिए आप, महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर के देख लीजिए आप, हर क्षेत्र में यानी पीछे किया है देश को, और भुखमरी आगे, भुखमरी एक तरीके से बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आए दिन लड़कियों पर अत्याचार बलात्कार के केस आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को एक कठोर कानून बनाने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, कठोर कानून बिल्कुल बनना चाहिए, और इसी के लिए प्रोटेस्ट, उसी के लिए ये प्रोटेस्ट किया आज हमने। अच्छा, कि भाई हर चीज़ जो देश के अंदर पूरी है वो एक तरीके से सुधार आए, रोजगार की दिशा में भी, शिक्षा की दिशा में भी, और जितने बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं इस क्षेत्र में भी पूरा सुधार आए। जैसे कि अभी कल नेशनल सिटीजन अमेंडमेंट बिल को अभी पास किया है सरकार ने, उसको सदन के पटल पर अभी पेश किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम उसकी मुखालिफत करते हैं। अच्छा, बिल्कुल जिस तरीके से शब्दों में उसकी निंदा करते हैं जी, पूरा युवा, क्योंकि देश चलता है ये देश में। जो हमारे एक अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान की चमन है जो आपस के प्यार प्रेम और मोहब्बत से भाईचारे से चलेगा। अच्छा, जिस तरीके से आपसे एक सवाल और है, आप भी एक नुमाइंदगी करने जा रहे हैं गांव की, स्तर की, सिंगार गांव से आप बिलोंग करते हो, इस बार भावी उम्मीदवार भी हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जो युवा आपके साथ जो जुड़ रहा है, जो चल रहा है और इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या इनको आपके एतबार से अगर देखें तो आप क्या वो हक दिला पाएंगे जिनको ज़रूरत है, इनका वो ब्राइट फ्यूचर दिला पाएंगे जिसको ज़रूरत है? देखो, और मेरे साथ में मेरे गाँव के सब युवा हैं, और अभी तो ये स्टार्टिंग है, दिन पे दिन हम इसकी बढ़ोतरी कर रहे हैं और आए दिन हम इसको बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ाएंगे। और गांव के अंदर की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो हमारे गांव के अंदर सारे लोग जो हैं वो एक तरीके से अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, उनको अभी तक किसी शिक्षा में कोई ज्ञान नहीं है। उन लोगों वहाँ पर जो राजनीति लोग करते हैं वो राजनीति करते हैं झगड़ों की राजनीति करते हैं और पार्टीबाजी की राजनीति करते हैं, और मेरी जो सोच है वो इस तरीके की नहीं है। वो सोच मेरी है कि एक युवाओं को बढ़ावा मिले, बुज़ुर्गों को सम्मान मिले और महिलाओं के लिए सम्मान मिले, उसके लिए मैं राजनीति में आया हूँ। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहता हूँ कि इंशाअल्लाह गांव की दुर्दशा को पूरे तरीके से सुधार देंगे हम। देखिए साहब, ये थे हमारे साथ अल्ताफ हुसैन जी, जिनका कहना है कि इस बार अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो जनता का सामाजिक लेवल पे जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं इसको बदस्तूर आगे जारी रखेंगे, और इनका कहना है कि महिलाओं के लिए, सबके लिए जो भी उनका हक है उनको पुरजोर वकालत करेंगे और आगे उनको हक दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी पॉलिटिक्स में जब बंदा कदम रखता है तो उसके सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो पैसे के लिए पॉलिटिक्स में आता है, और इसका कहना है कि मैं पॉलिटिक्स में पैसे के लिए नहीं, अपनी शोहरत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए और जनता का साथ देने के लिए, समाज में एक कठोर जो जिस तरीके के गलत काम हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए और हक की लड़ाई लड़ने के लिए, मेवात के हक दिलाने के लिए पॉलिटिक्स में आया हूं। अब देखने वाली बात होगी क्या अपने जो जिस तरीके के इन्होंने मैनिफेस्टो आपको बताया, क्या उनको पूरी तरीके से ये पुरजोर तरीके से आगे ले जाने का काम करेंगे, क्या उनको सबको सही और दुरुस्त करने का काम करेंगे। तब तक के लिए इस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब जनता नुमाइंदगी सौंपेगी तो उसके बाद में जब इसकी एक्चुअल जो कहते हैं इमेज सामने आएगी तो पता चल पाएगा कि तमाम जितने भी वादे किए क्या वो हकीकत में अल्ताफ हुसैन जी करा पाए। तब तक के लिए
इतना ही।